नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम को अपना चौथा मुकाबला जो है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है। ये मैच 22 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। वैसे में दोस्तों, इस मैच से पहले आरसीबी टीम से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोजाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहे। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहती है। बाई चांस आरसीबी टीम से जुड़ी न्यूज़ नहीं भी आती तो वहाँ पर आपको क्रिकेट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है डेली मिलती रहेगी। तो भाइयों, उसे भी जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करें पहले इस मुकाबले की, तो भाइयों, आरसीबी टीम ने आईपीएल 2021 के मौजूदा सीजन में अब तक कोई भी मुकाबला नहीं गंवाया है। टीम ने अब तक खेले सभी 3 मैचेस जीते हैं। बाकी की 7 टीमों को कम से कम एक मैच में हार मिली है। आरसीबी अपने चौथे मुकाबले में गुरुवार को 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो है भिड़ने वाली है। राजस्थान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम ने 3 मैचों में 2 मुकाबले गंवाए हैं। पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों की बात करें तो यहाँ पर दोनों मैच जो आरसीबी ने जीते थे, राजस्थान रॉयल्स एक टीम के रूप में प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं। सैमसन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मैच में शानदार शतक से टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। आरसीबी के लिए अनुभवी अभी डिविलियर्स और मौजूदा सत्र में टीम के साथ जुड़े ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैक्सवेल के जुड़ने से मध्यक्रम मजबूत हुआ है। कोहली ने कुछ मैचों में अच्छी शुरुआत की लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। वहीं दोस्तों, पिछले सीजन में प्रभावित करने वाले युवा बल्लेबाज पड्डिकल भी जो है फॉर्म में नहीं दिखे हैं, वो कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं। इसलिए दोस्तों, चौथे मुकाबले में फैंस जो है यही उम्मीद कर रहे हैं कि विराट कोहली और पड्डिकल जो है टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे और एक बड़ी पारी खेलेंगे आरसीबी टीम के लिए। वहीं भाइयों, मिडल ऑर्डर में जो है मैक्सवेल और डिविलियर्स जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। डिविलियर्स जो 250 लगा चुके हैं, वहीं मैक्सवेल भी जो है अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हर एक मैचेस में। इसलिए भाइयों, यहाँ पर आरसीबी टीम को बल्लेबाजी की चिंता नहीं होगी। वहीं गेंदबाजी में भी वहाँ पर दोस्तों सिराज और हर्षल पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की है। आरसीबी टीम का गेंदबाजी विभाग जो है मजबूत नजर आ रहा है। तेज गेंदबाजों में हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज ने क्रमशः 5.75 और 5.81 के इकोनॉमी रेट के साथ रन्स दिए हैं। आरसीबी ने केकेआर के खिलाफ 3 ही विदेशी खिलाड़ियों को खिलाया था। अब यह देखना रोचक होगा कि क्या वह इसी तरह की अंतिम 11 के साथ उतरते हैं या फिर डेनियल सैम्स, एडम जेम्पा, केन रिचर्डसन, इसके अलावा दोस्तों फिन एलन या फिर डैन क्रिश्चियन में से किसी एक को जगह दी जाती है। अब देखना यह होगा कि दोस्तों किसे जो है मौका मिलने वाला है चौथे ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में आरसीबी टीम के चौथे मैच की प्लेइंग 11 में। अगली बड़ी अपडेट ये आ रही है डेनियल सैम्स को लेकर, जहां पर भाइयों डेनियल सैम्स जो है इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और सिलेक्शन के लिए जो है अवेलेबल रहने वाले हैं। ऐसे में भाइयों डेनियल सैम्स को यहां पर मौका दिया जा सकता है। आरसीबी टीम जो अपने प्लेइंग 11 में इन्हें शामिल कर सकती है, क्योंकि दोस्तों सैम्स के यहां पर 2 फायदे होने वाले हैं। जहां पर ये स्टार्टिंग में भी अच्छी खासी स्विंग करा के गेंदबाजी कर सकते हैं, वही दोस्तों डेथ ओवर्स में भी अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आरसीबी टीम के लिए ऊपर आकर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ये बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, हमने देखा है कई बार इन बिग बैश में खेलते हुए बैटिंग से कमाल किया है इन्होंने। इसलिए दोस्तों यहां पर डेनियल सैम्स का जो है काफी ज्यादा फायदा होने वाला है आरसीबी टीम को, क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें हम अगली अपडेट की, तो भाइयों अगली अपडेट आ रही ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, जिनसे जो है ऑरेंज कैप फिलहाल छीन ली गई है। ऑरेंज कैप जो है फिलहाल धवन के पास है, लेकिन दोस्तों कल जो है कल के मैच में मैक्सवेल एक बार फिर से अच्छी पारी खेल सकते हैं और बेहद ही शानदार फॉर्म में है। इसलिए दोस्तों अगर बाई चांस कल भी अच्छी पारी खेलते हैं, 50-60 रन कर देते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों मैक्सवेल के पास एक बार फिर से ऑरेंज कैप आ जाएगी। ऑरेंज कैप और शिखर धवन से एक बार फिर से हासिल कर लेंगे। इसके बाद बात करें अगली अपडेट की, तो भाइयों अगली अपडेट आ रही यहाँ पर सुंदर को लेकर, जहाँ पर दोस्तों सुंदर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है अपने इंटरव्यू में। आरसीबी टीम के ऑफ स्पिनर सुंदर ने कहा है कि टेस्ट क्रिकेट से उन्हें जो आत्मविश्वास और मनोबल मिला है, वह उसे मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में जारी रखना चाहेंगे। सुंदर ने इस साल की शुरुआत में ब्रिस्बेन में टेस्ट डेब्यू करते हुए पहली पारी में 62 रन बनाने के साथ साथ 3 विकेट चटकाए थे। उन्होंने मैच के आखिरी दिन जो है 22 रन की अहम पारी खेली थी, जिससे भारतीय टीम यादगार जीत दर्ज कर पाई थी। वॉशिंगटन ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन से निश्चित रूप से किसी भी क्रिकेटर का आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिछले कुछ वर्षों से शानदार प्रदर्शन कर रही है और किसी भी युवा खासकर मेरे लिए शीर्ष स्तर पर टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलना सपने के सच होने जैसा है। सुंदर जो है पिछले महीने इंग्लैंड पर 3-1 की जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी थे, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की थी। सुंदर ने कहा कि हमने 2 शीर्ष टीमों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेला, उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने और जीत दर्ज करने से मुझे काफ़ी आत्मविश्वास मिला। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस आत्मविश्वास और लय को आईपीएल के आने वाले मैचों में जारी रखना चाहूँगा। लगातार दूसरी बार बायो बॉल में खेले जा रहे आईपीएल के बारे में पूछे
जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इसके अभ्यस्त हो गए हैं, हम चाहते हैं कि समर्थन के लिए दर्शक मौजूद रहे, मुझे पता है कि दर्शकों से काफ़ी ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए हम खेलने का मौका मिलने से खुश हैं। तो भाइयों, सुंदर ने बहुत बड़ा बयान दिया है और IPL 2021 में भी वो अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने इस मैचेस में किया है पिछले दिनों। तो भाइयों, ये थी हमारी ढेर सारी अपडेट सर से भी टीम से जुड़ी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।